अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि जो दावोस शिखर सम्मेलन हुआ ना विश्व आर्थिक मंच का, इसमें हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भाग लिया गया और उसे संबोधित किया गया है। और आप सभी देखेंगे कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है आपका क्या दावोस, यहीं ये सम्मेलन किया गया है आपका। देखिए आप यूरोप में जाएंगे तो आपको एक स्विट्जरलैंड देखने को मिलेगा और यहाँ आप देखेंगे आपको दावोस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? दावोस, यहीं ये सम्मेलन आपका किया गया है। और अभी आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण फिजिकल रूप से उपस्थित होना हो पाना बड़ा मुश्किल है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अधिकतर जो भी इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, जो बैठ के आयोजित की जा रही हैं, उसमें आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर उसमें भाग ले सकते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ देखेंगे तो हमारा प्यारा भारत आप लोगों को देखने को मिलेगा एशिया में। और आप देखिए, आपके पड़ोसियों की बात करें तो श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और यहाँ से आप लोग यूरोप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपको स्विट्जरलैंड देखने को मिलेगा। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री साहब ने इसमें भाग लिया हुआ है, आप सभी जानते हैं। और दावोस में WEF की वार्षिक बैठक वैश्विक क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए विश्व के शीर्ष नेताओं को शामिल करती है। और आपको बता दूं कि इस तरह का कोई भी शिखर सम्मेलन होता है तो उससे आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। आप देखिए कि आपकी आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, और उन संगठनों से भी क्वेश्चंस आते रहे, समझ रहे हैं आप लोग? तो ये भी आप लोग याद रखिए। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, यानी कि COVID-19 के दौरान भारत ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के अपने दृष्टिकोण का पालन करते हुए आवश्यक दवाओं और टीकों का निर्यात करके कई लोगों की जान बचाई हुई है। और आप देखिए दुनिया भर में हम लोगों ने दवाइयाँ निर्यात की हुई है, यानी कि भेजी हुई है कि वहां भी लोग उन दवाइयों का उपयोग कर सकें। एक तरह से भारत ने 31 दिसंबर 2021 तक 57 देशों को COVID-19 टीकों की 1154.173 लाख खुराकें पहुंचाई हुई है, तो एक बड़ी संख्या होती है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक देश है और इसे विश्व के लिए फार्मेसी माना जाता है। और प्रोप्लेनेट पीपुल्स P3 अप्रोच वैश्विक मंच, यानी कि UNFCCC COP26 में जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करने वाले P3 यानी कि प्रोप्लेनेट पीपल मूवमेंट के विचार का प्रस्ताव रखा गया है। और भारत के स्वच्छ, हरित, टिकाऊ और विश्वसनीय ऊर्जा लक्ष्यों को दोहराया गया है, जो वर्ष 2017 तक, माफ करिए 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने पर केंद्रित है। और आप देखेंगे कि लाइफ यानी कि LIFE पर्यावरण के लिए जीवन शैली, यानी कि UNFCCC COP26 सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई को एक जन आंदोलन बनाना P3 के लिए एक मजबूत आधार हो सकता है। और लाइफ एक लचीली और टिकाऊ जीवन शैली की दृष्टि है जो जलवायु संकट व भविष्य की अन्य अप्रत्याशित चुनौतियों से निपटने में काम आएगी। और इस संस्कृति और उपभोक्तावाद से ने जलवायु चुनौती को बढ़ा दिया है। आप देखिए कि जलवायु के प्रभावित काफी हम लोगों ने इसे बर्बाद किया हुआ है, उसका भुगतान भी हम लोग कर रहे हैं। भारत द्वारा हाल ही में किए गए कुछ सुधार भी है। इसमें अगर आप देखें तो 6 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर जैसे भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी से संबंधित बुनियादी ढांचे में $1.3 ट्रिलियन का निवेश, परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से $80 बिलियन के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। और गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिए वस्तु और लोगों और सेवाओं की निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए नई गतिशीलता का संचार करता है। और आज भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षित और सफल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म भी है। दिसंबर 2021 में भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI के जरिए 4.4 अरब ट्रांजेक्शन किए गए हैं। डिजिटल भारत आप लोग सुनते रहते हैं ना, और आप देखते हैं कि आप लोग भी UPI जानते भी होंगे और आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते भी रहे होंगे। कोरोना संक्रमण पर नजर रखने के लिए आरोग्य सेतु ऐप और टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल जैसे तकनीक समाधान भी बनाए हुए थे। और एक निवेश गंतव्य के रूप में भारत अगर हम लोग देखें तो हाल ही में सरकार द्वारा विभिन्न सुधार उपाय किए गए हैं, जैसे कि पूर्व व्यापी कराधान को हटाना, अनुपालन आवश्यकताओं में कमी और कॉरपोरेट टैक्स दर संरचना का सरलीकरण, जो इसे मौजूदा सबसे अच्छा निवेश गंतव्य बनाता है।
केवल पिछले वर्ष ही भारत में अगर आप देखें तो 25,000 से अधिक अनुपालनों को कम किया गया है। आज भारत में विश्व के किसी भी अन्य देश की तुलना में यूनिकॉर्न की तीसरी सबसे बड़ी संख्या मौजूद है। वहीं पिछले 6 महीने में 10,000 से आप देखेंगे अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत किए गए हैं। और भारत विभिन्न उपायों के माध्यम से व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा दे रहा है और साथ ही सरकारी हस्तक्षेप को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और इससे क्या होगा कि बाहर से निवेश हमारे देश में काफी आएगा, समझ रहे हैं आप लोग। और इसमें आप देखें नीति निर्माण के तहत अगले 25 वर्षों के लिए स्वच्छ और हरित के साथ साथ सतत एवं विश्वसनीय विकास की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। और बहुपक्षीय संगठनों के समक्ष चुनौतियों की बात करें तो जब इस संस्थानों का गठन हुआ तो स्थितियां काफी अलग थी और आज देखिए परिस्थितियां बदल चुकी हैं। और इसके प्रत्येक लोकतांत्रिक देश की यह जिम्मेदारी है कि वह इन संस्थानों में सुधार पर जोर दे ताकि वे वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई संगठन बनाया हुआ था, उस समय की समस्याओं को समाधान करने के लिए उस समय जो भी समस्याएं बनी हुई थी, और आप देखिए कि आज समस्याएं बदल चुकी है तो संगठनों में भी सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है, तो उन्हीं की बात हो रही है। भविष्य की चुनौतियों के लिए सामूहिक प्रयास, प्रत्येक देश और प्रत्येक वैश्विक एजेंसी द्वारा एक सामूहिक और समन्वित कार्य किए जाने की आवश्यकता है। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, मुद्रास्फीति और जलवायु परिवर्तन इनके प्रमुख उदाहरण भी है। और एक अनुदाहरण क्रिप्टो करेंसी और इससे जिस प्रकार की तकनीक जुड़ी हुई है उसमें किसी एक देश द्वारा लिए गए निर्णय संबंधित चुनौतियों से निपटने हेतु अपर्याप्त होंगे। अब बात आती है इस संगठन के बारे में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसे आप लोग शॉर्ट में क्या कह देते हैं, WEF के बारे में। तो एक स्विस गैर लाभकारी संस्था है और जिसकी स्थापना 1971 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी और सही सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। और इसकी अगर हम लोग इसके मुख्यालय की बात करें तो आप देखेंगे कॉलोनी स्विट्जरलैंड में ही इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। WEF वैश्विक क्षेत्रीय उद्योग जगत की परियोजनाओं को आकार देने हेतु व्यापार, राजनीतिक और शिक्षा क्षेत्र और समाज के अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार के लिए विधिवत है। और इसके संस्थापक कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें तो क्लोज सराव इसके कार्यकारी अध्यक्ष। और WEF द्वारा प्रकाशित कुछ रिपोर्टें भी हैं, इन रिपोर्टों को भी याद रखिए, इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लेता है, आपसे पूछ लेगा कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखिए आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट कौन जारी करता है तो ये भी आपका WEF भी जारी करता है। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट WEF द्वारा INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट भी आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट भी आपका WEF ही जारी करता है। वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट भी आपका WEF द्वारा ही जारी की जाती है। तो इन सभी रिपोर्टों को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और इन संगठनों के बारे में, रिपोर्ट के बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास रखा करिएगा, अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है तो उसका आंसर आप लोग आसानी से देने की स्थिति में पहुंच जाएंगे, ठीक है।